कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सिमका की ओर से आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा। एक ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स पावर ट्रेन का दूसरा तत्व है और ये सड़क और लोड की स्थिति के अनुसार वाहन की स्पीड और टॉर्क को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे गियर बॉक्स भी कहा जाता है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम है जो व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन से उपलब्ध टॉर्क और स्पीड में बदलाव करके व्हील्स तक पहुंचता है और जिसके लिए ये गियर्स का इस्तेमाल करता है। गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, डबल डी क्लचिंग और सिंक्रोनाइज, जो आजकल आधुनिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम इन सब के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दो गियर्स एक साथ मेश कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। लार्ज गियर में स्मॉल गियर से डबल टीथ है, इसलिए स्मॉल गियर को बिग गियर के हर एक रोटेशन पर दो रोटेशन करने होंगे ताकि ये लार्जर गियर की सभी टीथ्स को क्रॉस कर सके। इसका मतलब है कि स्मॉल गियर की रोटेशन स्पीड लार्ज गियर की मुकाबले डबल है। इनपुट स्पीड और आउटपुट स्पीड के रेशियो को गियर रेशियो कहा जाता है और हम इसे आउटपुट गियर टीथ को इनपुट गियर टीथ से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इनपुट टॉर्क को जब गियर की रोटेशनल स्पीड से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे इनपुट पावर कहते हैं, और पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होना जरूरी है, जो कि आउटपुट टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रोटेशनल स्पीड के बराबर होता है। चूंकि आउटपुट गियर की रोटेशनल स्पीड इनपुट गियर की रोटेशनल स्पीड की हाफ है, इसलिए आउटपुट शाफ्ट इनपुट शाफ्ट के मुकाबले दो गुना टॉर्क डिलीवर करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम एक तरफ कम टॉर्क ज्यादा गति से लगाएं तो गियर सिस्टम की मदद से हम आउटपुट में ज्यादा टॉर्क कम स्पीड में प्राप्त कर सकते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल को गियर बॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑटोमोबाइल को रीसेट से शुरू करने के लिए, हाइट पर चढ़ने के लिए या लोड खींचने के लिए काफी टॉर्क की जरूरत होती है। इन स्थितियों में व्हीकल का ज्यादा तेज चलाना जरूरी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर व्हीकल लेवल रोड पर तेजी से चल रही है, तब टायर पर अत्यधिक टॉर्क लगाने से बेहतर है कि ज्यादा टॉर्क की बदले ज्यादा स्पीड को लगाया जाए। इसलिए इंजन और व्हील्स के बीच रिलेटिव मोशन के लिए गियर का एक सेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स कहा जाता है। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स सबसे सिंपल और बहुत पहले से इस्तेमाल होने वाला गियर बॉक्स है। इसमें तीन पैरेलल शाफ्ट होते हैं, एक इनपुट शाफ्ट, दो आउटपुट शाफ्ट और तीन काउंटर शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट काउंटर शाफ्ट के जरिए जुड़े होते हैं। काउंटर शाफ्ट पर मौजूद गियर के जरिए पावर आउटपुट शाफ्ट तक पहुंचते हैं। इसके बाद आउटपुट शाफ्ट पावर प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसफर कर देता है, जो व्हील्स को घुमाती है। इनपुट शाफ्ट पर एक गियर होता है जिसे क्लच गियर कहते हैं। ये काउंटर शाफ्ट के गियर से लगातार मेश में रहता है। आउटपुट शाफ्ट स्प्लाइंडेड होता है और इस पर जो गियर्स होते हैं वो काउंटर शाफ्ट के गियर से मेश करने के लिए आउटपुट शाफ्ट पर स्लाइड कर सकते हैं। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर बदलने पर गियर्स के बीच में सही से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाने के कारण ज्यादा घर्षण होता है और काफी मात्रा में आवाज होती है। कई बार गियर बदलने में बहुत परेशानी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टेंट गियर बॉक्स में स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की ही तरह पावर क्लच के माध्यम से इनपुट शाफ्ट तक पहुंचता है। आउटपुट शाफ्ट पर बने गियर्स आउटपुट शाफ्ट पर फिक्स नहीं होते और आउटपुट शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट हो सकते हैं, जो यहाँ डार्क कलर में दिखाए गए हैं। काउंटर शाफ्ट पर अलग अलग आकार के गियर्स लगे होते हैं और काउंटर शाफ्ट के रिलेटिव में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं कर सकते। फिक्स गियर्स को ब्लू कलर में दर्शाया गया है। काउंटर शाफ्ट के गियर हमेशा आउटपुट शाफ्ट के गियर्स के साथ मेश में रहते हैं और इन मेशिंग गियर्स के अलग अलग गियर्स रेशियो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फर्स्ट गियर में लार्ज गियर पर स्मॉल गियर के कंपैरिजन में 3 गुना टीथ है, इसलिए लार्जर गियर स्मॉल गियर के तुलना में 3 गुना धीमा घूमता है और आउटपुट शाफ्ट पर 3 गुना टॉर्क लगा सकता है। इसी प्रकार से सेकेंड गियर के लिए लार्ज गियर पर स्मॉल गियर के तुलना में डबल टीथ है और इसलिए लार्ज गियर 2 गुना धीमा घूमता है। इसी प्रकार आउटपुट शाफ्ट पर सभी गियर अपने गियर रेशियो के अनुसार अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं। आउटपुट शाफ्ट व्हील से कनेक्ट रहने के कारण व्हील से संबंधित स्पीड पर रोटेट होते हैं। आउटपुट शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीली रोटेट हो रहे गियर में से किसी एक गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लॉक करने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए आउटपुट शाफ्ट पर हब फिक्स किया जाता है, इसलिए हब आउटपुट शाफ्ट के साथ घूमता है। हब पर एक स्लीव स्प्लाइंडेड किया जाता है जो कि हब पर एक्चुअली मूव कर सकता है। इस स्लीव को स्लाइड करके गियर के साइड में लगे सिंक्रो टीथ के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से गियर हब के जरिए आउटपुट शाफ्ट पर लॉक हो जाता है, इसलिए लॉक्ड गियर आउटपुट शाफ्ट शिफ्ट स्लीव पर सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड पर रोटेट करते हैं, जबकि दूसरे गियर्स अपने रेशियो के मुताबिक शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट होते हैं और इसलिए इन गियर्स की स्पीड आउटपुट शाफ्ट से अलग होती है। इस प्रकार शिफ्ट स्लीव स्लाइड होकर सेकेंड गियर से जुड़ सकता है, जिसके कारण सेकेंड गियर हब के माध्यम से आउटपुट शाफ्ट पर लॉक हो जाता है। अब सेकेंड गियर और आउटपुट शाफ्ट एक ही स्पीड से रोटेट होते हैं और पावर इंजन से इनपुट शाफ्ट, फिर काउंटर शाफ्ट, फिर सेकेंड गियर से आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर होता है। आउटपुट शाफ्ट पर थर्ड और फोर्थ गियर को लॉक करने के लिए एक और हब और शिफ्ट स्लीव दिए जाते हैं। शिफ्ट स्लीव को थर्ड गियर से ज्वाइंट करने से थर्ड गियर लॉक हो जाता है और फोर्थ गियर के लिए शिफ्ट स्लीव को डायरेक्टली इनपुट शाफ्ट के गियर से ज्वाइंट किया जाता है और पावर सीधे इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट को बिना किसी स्पीड डिडक्शन के ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ड्राइव भी कहा जाता है। पर यहां पर एक समस्या है, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स में शिफ्ट स्लीव और गियर में स्मूथ इंगेजमेंट के लिए ये जरूरी है कि दोनों की स्पीड बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने फोर्थ गियर से फर्स्ट गियर में आना है, अभी फोर्थ गियर आउटपुट शाफ्ट पर लॉक है और इसलिए आउटपुट शाफ्ट फोर्थ गियर की स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसलिए शिफ्ट स्लीव फर्स्ट गियर की तुलना में काफ़ी फास्ट रोटेट हो रहा है और ऐसे में शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ स्मूथी इंगेज नहीं किया जा सकता। शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ इंगेज करने के लिए फर्स्ट गियर की स्पीड को इंक्रीज करके शिफ्ट स्लीव स्पीड के बराबर करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए क्लच पैडल को फर्स्ट टाइम प्रेस करके डिसइंगेज्ड किया जाता है, जिसके कारण इंजन इनपुट शाफ्ट से डिसइंगेज्ड हो जाता है और फिर गियर को न्यूट्रल पोजीशन पर लाया जाता है। इसके बाद क्लच पैडल रिलीज करके इंजन दोबारा इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इंजन को एक्सेलरेट किया जाता है। ड्राइवर फिर से क्लच पैडल को प्रेस करके इनपुट शाफ्ट को फिर इंजन से डिसइंगेज करता है और शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ इंगेज कर देता है। इसके बाद क्लच पैडल को रिलीज करके इनपुट शाफ्ट को इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब पावर फर्स्ट गियर के जरिए ट्रांसफर हो रहा है। गियर को चेंज करने के लिए 2 बार क्लच पैडल को प्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे डबल क्लचिंग कहते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आधुनिक मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स में सिंक्रोनाइज गियर फिट किया जाता है। सिंक्रोनाइज गियर में शिफ्ट स्लीव और जिस भी गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लॉक करना होता है उस गियर की स्पीड इक्वल हो जाती है। ये काम सिंक्रोनाइज गियर के द्वारा किया जाता है। सिंक्रोनाइज गियर इस तरह फिट किए जाते हैं कि ये आउटपुट शाफ्ट के साथ रोटेट कर सके और साथ में इसका एक्शन मूवमेंट भी हो सके। सिंक्रोनाइज रिंग में इंटरनल कोन होता है और गियर्स पर मेटिंग कोन दिया जाता है, जो कि सिंक्रोनाइज रिंग के इंटरनल कोन के साथ मिलकर कोन क्लच बनाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी स्थिर खड़ी है,
इसलिए आउटपुट शॉट भी नहीं घूम रहा होगा। अब हम पहले गियर को आउटपुट शॉट पर लॉक करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए क्लच पैडल को दबाया जाता है ताकि इंजन ट्रांसमिशन से डिस्कनेक्ट हो जाए और अब ट्रांसमिशन सिस्टम केवल अपने इनर्शिया के कारण घूम रहा है। अब जब शिफ्ट स्लीप को ढकेला जाता है, इससे पहले कि शिफ्ट स्लीप के साथ इंगेज हो सके, कोन क्लच पहले ही इंगेज हो जाता है, जिसके कारण सिंक्रोनाइज रिंग और गियर पर दिए हुए कोन के बीच फ्रिक्शन होने लगता है। ये फ्रिक्शन गियर सिस्टम के इनर्शिया सिस्टम पर हावी हो जाता है और गियर की स्पीड शिफ्ट स्लीप की स्पीड के बराबर हो जाती है। शिफ्ट स्लीप को थोड़ा और ढकेलने पर गियर के साथ स्मूथली इंगेज हो जाता है। अब क्लच पैडल को रिलीज किया जाता है, जिससे कि पावर फर्स्ट गियर से ट्रांसमिट होने लगता है और आउटपुट सॉफ्ट घूमने लग जाती है, जिससे व्हीकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। इसी प्रकार सेकेंड गियर लगाने पर सिंक्रोनाइजर रिंग और सेकेंड गियर के बीच होने वाले फ्रिक्शन होने के कारण सेकेंड गियर की स्पीड शिफ्ट स्लीप के बराबर हो जाती है और शिफ्ट स्लीप सेकेंड गियर के साथ स्मूथली इंगेज हो जाता है। रिवर्स गियर के लिए शिफ्ट स्लीप पर टीथ दिए जाते हैं और एक फिक्स्ड गियर काउंटर शाफ्ट पर दिया जाता है। ये दोनों गियर डायरेक्टली मेश में नहीं होते, इन्हें कनेक्ट करने के लिए एक आइडियल गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि गियर की घूमने की दिशा रिवर्स हो जाती है। जब ड्राइवर को रिवर्स गियर लगाने की आवश्यकता होती है, तब काउंटर शाफ्ट की गियर को और शिफ्ट स्लीप को आइडियल गियर को शिफ्ट करके कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आउटपुट शाफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है। रिवर्स गियर सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जिसके कारण गाड़ी के रुकने के बाद ही रिवर्स गियर लगाया जाता है। गाड़ी को हाई स्पीड से चलाने के लिए फिफ्थ गियर लगाया जाता है। इस सिचुएशन में फ्रीली रोटेट होने वाले गियर को काउंटर शाफ्ट पर लगाया जाता है और फिक्स्ड गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लगाया जाता है। गियर शिफ्ट स्लीप और हब की मदद से काउंटर शाफ्ट पर लॉक किया जा सकता है। गियर चेंज करने के लिए शिफ्ट शाफ्ट दिए जाते हैं। अभी रिवर्स गियर लगा हुआ है। अब गाड़ी न्यूट्रल पर है। अब फर्स्ट गियर लग चुका है। अब गाड़ी न्यूट्रल पर है। अब सेकंड गियर लग चुका है। अब फिर से न्यूट्रल पर। अब थर्ड गियर लगा दिया गया। इसी प्रकार फोर्थ और फिफ्थ गियर लगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि मैनुअल ट्रांसमिशन को डिसमेंटल करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑयल बाहर निकालें। ट्रांसमिशन केस कवर बोल्ट्स को ओपन करें। अब समय है गियर्स को निकालने का। फिफ्थ गियर का सिलेक्टर फॉक बोल्ट को ओपन करें। रिटेनिंग स्प्रिंग को खोलें। रिमूव फिफ्थ गियर फॉक एंड हब। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिफ्थ गियर के स्लीव टिथ्स कितने घिसे हुए हैं। पांचवें गियर हब में से एक की नहीं है। पांचवा गियर भी काफी घिसा हुआ है। घिसा हुआ गियर बॉक्स पूरे गियर बॉक्स की इफिशियंसी को खराब कर देता है। गियर पुलर का इस्तेमाल करते हुए पांचवें गियर को निकालेंगे। अब न्यूमैटिक एयर गन से फिफ्थ गियर का ड्राइविंग गियर निकालेंगे। दोबारा गियर पुलर की मदद से गियर को निकालेंगे। अगले पड़ाव में रिटेनर को निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सतह देखने में सही लग रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ से क्षतिग्रस्त है। इसे बदलने की आवश्यकता है। अब हम स्प्रिंग को निकालते हैं। अब हम शिफ्ट लीवर को निकालते हैं, जैसा कि मैनुअल में दर्शाया गया है। कई बार शिफ्ट लीवर लॉक पिन और शिफ्ट लीवर में जंग लग जाने के कारण काफी टाइट हो जाते हैं। देखा आपने कितना जंग लगा हुआ है। जंग को सैंड पेपर की मदद से रिमूव करते हैं। अब यहां पर शाफ्ट का रिटेनिंग बोल्ट निकाल रहे हैं। शाफ्ट कवर पर लगे बोल्ट्स को खुलना है, जिससे कि शाफ्ट को हल्का धक्का देने पर सिलेक्टर शाफ्ट बाहर निकल आएगी। अब हम रिवर्स शाफ्ट रिटेनिंग बोल्ट को खोलते हैं। अगले पड़ाव में हम केजिंग पर लगे सभी बोल्ट्स को खोलते हैं। अब बेल हाउसिंग के अंदर लगे तीन बोल्ट्स को खोलना है।
बाकी बचे सभी बोल्ट को भी ओपन करना है। शाफ्ट रिटेनिंग स्प्रिंग को खोलना है। अब हम केस और बेल हाउसिंग को प्लास्टिक हैमर की हेल्प से अलग कर सकते हैं। रिवर्स गियर एंड शाफ्ट और रिवर्स शिफ्ट आर्म ब्रैकेट को भी निकाल लिया जाता है। अब यहाँ शिफ्ट फॉक्स को निकाला जा रहा है। अब गियर सेट को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम सभी गियर बॉक्स की डैमेजिंग की जांच कर सकते हैं और उन्हें रिपेयर या चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम बड़ी आसानी से एक गियर बॉक्स की डिसअसेंबली कर सकते हैं। अब आप भी इस वीडियो के माध्यम से गियर बॉक्स को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए, तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1- इंजन पावर को फ्लाईव्हील से इंगेज्ड और डिसइंगेज्ड करता है। क्वेश्चन 2, क्लच, गियर, डेड एक्सल, लाइव एक्सल, एक्सललेस - ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है। क्वेश्चन 3, फोर व्हील ड्राइव में - लाइव एक्सल होते हैं। क्वेश्चन 4, गियर रेशियो में बड़े गियर में 32 टीथ्स हैं और छोटे गियर में - टीथ्स हैं। क्वेश्चन 5, मैनुअल ट्रांसमिशन में इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और - पैरेलल शाफ्ट होती है। क्वेश्चन 6, फर्स्ट गियर - गियर कहलाता है। क्वेश्चन 7, - गियर लगाने पर व्हीकल उल्टी दिशा में चलती है। क्वेश्चन 8, गियर्स को चलाने के लिए - शाफ्ट दिए जाते हैं। क्वेश्चन 9, 5 स्पीड व्हीकल में टोटल - गियर्स होते हैं। क्वेश्चन 10, गियर चेंज करते समय आवाज को कम करने के लिए - गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आंसर्स। आंसर 1, क्लच। आंसर 2, मैकेनिकल। आंसर 3, टू लीव एक्सल्स। आंसर 4, 16। आंसर 5, काउंटर शाफ्ट। आंसर 6, पावर। आंसर 7, रिवर्स। आंसर 8, शिफ्ट। आंसर 9, 6 गियर्स, 5 फॉरवर्ड गियर्स एंड 1 रिवर्स। आंसर 10, कॉन्स्टेंट मेश। आंसर्स। आंसर